आप देख रहे हैं राखी जी न्यूज और मैं हूं आपका प्रदीप बना। खबर है विस्तार से। इसने गलती से उठा लिया, उस लड़के ने इससे बात करना शुरू किया, अपना नाम देव शर्मा बताया इसको। उसके बाद उसने इसको मिलने बुलाया कि साहब आप मेरे से मिलने आओ। तो ये क्या लड़की मिलने चली गई, इसको इतनी बुद्धि नहीं थी कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन चली गई। इसको कैलाश टॉकीज के यहाँ पे बुला लिया। बुलाने के बाद एक फोर व्हीलर रुकी, फोर व्हीलर ने पहले से घंटा है मैडम, ये सन 2016 के आसपास की घटना है सर। अब ये क्या है, लड़की वहाँ मिलने चली गई, तो मिलने के बाद इसने देखा कि फोर व्हीलर में ऑलरेडी दो लड़के पहले से बैठे हुए थे और जयवीर पुत्र मुखराज गुजर निवासी सालोदा का है, वो इस लड़की को बहला फुसला के फोन पे बातों में फंसा के और वहाँ पर ले गया कि वहाँ चलते हैं घुमाने लेके चलते हैं तुझको। तो ये लोग इसको ताजपुर, अपने यहाँ ताजपुर रोड है वहाँ पर ले जाके सुनसान जगह पर इसके साथ बहुत ज़्यादा गंदी हरकत की। उन लड़कों, जयवीर की सह पर उन लड़कों ने भी इसके साथ गंदी हरकत की। इस लड़की के कुछ अश्लील वीडियोस वगैरह बना लिए उन्होंने और इसको धमकी दी कि यदि तू इनको बताएगी तो हम तेरे को जान से ख़त्म कर देंगे और तेरे परिवार को, तेरा वीडियो वायरल कर देंगे, तेरे परिवार को भी जान से मार देंगे। बच्ची पैसे काटती रही, फिर ये वापस छोड़ गए इसको वहीं कैलाश टॉकीज में, ये घर चली गई। फिर लड़की ने बार बार फ़ोन आते रहे उस लड़के के, इसने उसको इग्नोर करने की कोशिश की, तो वो लड़का इसको जान से मारने की धमकी देने लग गया, मैं तेरे को एक हरकत है तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा, तू मुझसे मिल। बाद में ये लड़की गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, उस समय गर्ल्स स्कूल में भी इसका पीछा किया गया, इससे मिलने के लिए मुलाकात करने के लिए इसको प्रेशर में डाला गया। फिर जब ये लड़की बहुत परेशान हो गई तो इसको क्या दीवानशु होटल में ले गया वो लड़का और 20-25 दिन तक इसको वहाँ बंधक बना के रखा, इसके साथ जबरन बलात्कार करता रहा और इसकी उस लड़के की सह पर अन्य लड़कों ने भी इसके साथ बलात्कार किया। तो जयवीर गुर्जर पुत्र मुखराज गुर्जर ने इस लड़की के साथ बहुत गलत किया, फिर इसको जयपुर ले गया, 2 साल तक वहाँ जयपुर में गौशाला के पास। जयवीर गुर्जर और मुखराज गुर्जर कहाँ के निवासी हैं? ये सालोदा मोड़ के निवासी, सालोदा के निवासी है सर, सालोदा गंगापुर सिटी। तो ये क्या है, इनका पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज है सर, इस लड़की को कुछ ही पता नहीं है उनके बारे में, तो इनके काफी मुकदमे हमारे कोर्ट में भी चल रहे हुए हैं। अब ये लड़की उस लड़की के 2 साल तक वहाँ जयपुर में रही, जयपुर में रहने के बाद इसको जबरदस्ती अजमेर ले गया कि तू मेरे साथ शादी वाले फोटो खिंचवा और वहाँ इससे मेरे से शादी कर। तो आर्य समाज मंदिर में पता नहीं क्या करा उसने, कोई सर्टिफिकेट बनवा लिया, इस लड़की को धुके में रखा। उसके बाद इससे कहता रहा कि अब हो गया जो हो गया, मैं तेरे से शादी करूंगा, फिर वो शादी भी नहीं कर रहा वो, और इसके साथ लगातार शोषण कर रहा है, इसका यूज कर रहा है वो इस महिला का। उसके बाद इसने क्या है कि ये अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पूर्व जयपुर से इसको छोड़ के गंगापुर आ गया और इसके घरवाले मुखराज गुजर, इसके फादर प्लस इसके राजवीर इसका भाई, इस लड़की से गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं, इसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तू इस लड़के को छोड़ दे अन्यथा तेरे को जान से मार देंगे हम, और तेरे को खाई की निकली, इस लड़की की बेचारी की जिंदगी बर्बाद होगी। अब इसका मुकदमा दर्ज हो चुका है कोतवाली थाने में, FIR भी शायद कट जाएगी और अब साहब देख लीजिए इसकी आप।